का दावा यह है कि हिजबुल्ला के स्ट्रैटेजिक वेपन पर यह स्ट्राइक की गई है। इन हथियारों को एक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी में छिपाया गया था और इस दौरान हरित अल हरिक इलाके में जोरदार धमाके देखे गए हैं। खबर यह है कि बीते 36 घंटों में इसराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनन में 340 हमले किए गए। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कैसे तबाही का मंजर यहां पर दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि बीते 36 घंटों में इसराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान के हिस्से को टारगेट किया गया है, 340 हमले यहां पर किए गए हैं। ये बड़ी खबर है लेबनान की राजधानी बेरूत में, जहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से हमले किए जा रहे हैं। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार स्ट्राइक कर रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। और यहाँ पर जानकारी ये मिली है कि हिजबुल्ला के हथियारों के गोदाम तबाह हो गए हैं, काफ़ी नुकसान यहाँ पर हिजबुल्ला के ठिकानों को पहुँच रहा है। पहले यहाँ पर इजरायल की तरफ से चेतावनी दी गई थी, उसके बाद यहाँ पर हमला होता है। हालाँकि हिजबुल्ला का कहना यह है कि कई उसने हमलों को नाकाम किया है और हिजबुल्ला की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इजरायल रुकने को तैयार नहीं है और इजरायली डिफेंस फोर्सेज लगातार स्ट्राइक कर रही है। अब इसराइल का दावा इस तस्वीर को लेकर किया जा रहा है कि हिजबुल्ला के स्ट्रेटेजिक वेपन पर यह स्ट्राइक की गई है। लेबनान से सिर्फ न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा है आपको रियल ग्राउंड जीरो कवरेज। जो आप दुनिया भर के टेलीविजन पर देख रहे हैं वो कुछ माउंटेन्स से शूट किया जा रहा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दुनिया भर के मीडिया पर्सन इन हालात को शूट कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहा है न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया वाहिद चैनल है जो शोलों के बीच में जाकर आप तक पहुंचा रहे हैं रियल ग्राउंड जीरो, जहां पे रॉकेट्स गिरते हैं, जहां पे मिसाइल्स गिरते हैं, वहां पर जाके क्या तबाही हुई है वो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं रियल ग्राउंड जीरो से। तो मैं इस वक्त एक टॉप पे हूं जहां पे आधा लेबनान दिख रहा है। इसी तरीके से काफ़ी जगहों पे कैमरा रखे जा रहे हैं जो 24 घंटे ऑन रहते हैं और जब भी कोई एक्शन होती है जूम इन करके आपको दिखाया जाता है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया जूम इन करके नहीं बल्कि रियल ग्राउंड जीरो पर जाके कवरेज कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंचती है यहां पर भी सबसे पहले ताकि हम दुनिया को असल हकीकत दिखा सकें। तो जो ये जो आप सैटेलाइट ओबी वैन्स देख रहे हैं, DSNGs देख रहे हैं, ये टॉप पे रखी जाती हैं और उसके बाद जो है 24 घंटे इनको ऑन रखा जाता है। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी कैमरा यहाँ पे लगे हैं ये 24 घंटे ऑन रहते हैं और इसी में एक्शन कैद होती है। लेकिन वो लोग जो आप तक ये रॉकेट्स गिरते हुए पहुँचा रहे हैं वो रहते हैं काफ़ी दूर, उसके बाद जूम इन करके आपको सारी सिचुएशन दिखाई जाती है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया उन शोलों के बीच में अब तक गई है जहां पर ये रॉकेट्स गिरते हैं, जहां पे ये रॉकेट तबाही करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर कैमराज जो हैं 24 घंटे ऑन रहते हैं और इन्हीं में कैद होती है वो सारे एक्शन जो यहां पे रॉकेट्स गिरते हैं और उसके बाद आग लग जाती है, धुआं निकलता है और यहाँ से ही जो धुआं निकलता है और उसी पर फोकस किया जाता है, जूम इन किया जाता है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया यकीन रखता है ग्राउंड पर जाने की, ग्राउंड पर रियल ग्राउंड जीरो कवरेज आप तक पहुंचाने की, ना कि किसी माउंटेन पर बैठ के दूर कई किलोमीटर जूम इन करके आप तक हम कवरेज पहुंचाते हैं। तो ये जो आप इर्द गिर्द यहाँ पे देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, यहाँ पे दुनिया भर के आए हुए रिपोर्टर्स हैं, चैनल्स हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो यहाँ से आप तक खबर पहुंचाते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाके आप तक खबर पहुंचाते हैं। रात को ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे जो हमले हैं वो लगातार इजराइल की तरफ से लेबनन पर किए जा रहे हैं और ये स्ट्राइक कैसे की गई है अब आप ये भी जानिए। ये स्ट्राइक इजराइल की वायुसेना की तरफ से की गई है। इस हमले में लेबनन की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर टारगेट किया गया। ये हमला इंटेलिजेंस इनपुट के बाद किया गया और दावा ये है कि हिजबुल्ला के स्ट्रेटेजिक वेपन पर यह हमला किया गया। इसराइल के इस हमले में अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। IDF की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पहले चेतावनी जारी की गई और उसके बाद ये बड़ा हमला कर दिया गया।